हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर हमारी मुलाकात है एक अच्छे वीडियो के साथ, जो कि है लास्ट के 100 दिन। अब सीजीएल की बात करूं अगर मैं, तो हम मान सकते हैं कि 100 दिन प्लस अब जो भी 10-20 दिन लास्ट के बचेंगे वो आपको चाहिए होंगे एक्स्ट्रा के तौर पर। तो इस वीडियो में हम 100 दिन की बात करने वाले हैं कि 100 दिन में आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है, अपनी स्ट्रेटेजी को, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को, अपने रिविजन को, PYQs को, मॉक टेस्ट को किस तरीके से सही तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहली बात, तो अगर किसी का पहले से सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, PYQ कर रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, उसको पता है कि मैं सब सही तरीके से कर रहा हूँ, तो उसको ये वीडियो सुनने की कोई नीड नहीं है, वो स्किप कर सकता है। बट अगर आप में से कोई भी है जो पहले थोड़ा सीरियस नहीं था बट अब सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहता है, उसका सिलेबस थोड़ा बचा है, या वो थोड़ा सा अभी भी लेक कर रहा है, 100 से 120 मार्क्स तक ही उसके मार्क्स आ रहे हैं या 130 मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिटेबल होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक सुने और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। इस चैनल पर और अच्छा हम नया और काफ़ी प्रॉफिटेबल आपके लिए करने की कोशिश करेंगे और जल्दी आपके सामने लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आते। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अब ये ध्यान रखनी है कि आपको कोई नए सोर्सेज नहीं लेने, लाइक कि आपके पास मैथ्स की जो बुक है प्रीवियस ईयर की उसी को रखना है, चाहे वो 22 का एडिशन हो, चाहे 21 का एडिशन हो, 23 का एडिशन हो, जो भी है वो आपके लिए अब वही चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से वोकैब की कोई बुक है तो ब्लैक बुक है तो वही बुक लेनी है, या कोई दूसरी वोकैब की बुक आपने पढ़ी है तो वही बुक आपको रखनी है। अब सोर्सेस चेंज नहीं करने हैं मुझे, और ना ये सोचना है कि मैं कोई नई बुक खरीदूं। कब तक? जब तक कि आपका स्कोर अगर 150 से नीचे है तब तक तो नहीं सोचना है। अगर आपका ऑलरेडी स्कोर 150 अबव आ रहा है, 160 अबव आ रहा है, तो आप नई बुक्स के बारे में सोच सकते हैं। लाइक अगर आपने वोकैब कर लिया है, ब्लैक बुक आपको अच्छे से याद हो गई है, पूरी रट गई है, तो फिर आप और एक नई बुक के साथ जा सकते हैं। अगर आपने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और PYQ वाली बुक अच्छे से कर ली है तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर को अपना सकते हैं। अगर आपने मैथ्स के PYQ वाली बुक कंप्लीट कर ली है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो सेक्शनल मॉक्स हैं वो सारे खत्म कर सकते हैं, CPO के, CGL के, CHSL के सारे मैथ्स के सेक्शनल मॉक खत्म कर सकते हैं। अगर आपके रीजनिंग में आपने बुक लगा ली है तो उसके बाद उसके सेक्शनल कई सारे लगा सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ों के अल्टरनेट हैं। लाइक आपने GK में लूसेंट सारी अच्छे से खत्म कर दी, 4-5 बार पढ़ दी, आपको लगता है ठीक है जितना आना था आ गया, तो अब आपने एक PYQ वाली बुक जो थी वो सारी लगा दी, ठीक है। उसके बाद आप नई चीज़ों पर जा सकते हैं, लाइक गूगल पे सर्च करते हैं कोई टॉपिक, टेम्पल्स इन इंडिया या स्टैटिक जीके का टॉपिक या करंट अफेयर्स, वो अलग अलग क्रोम पे गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके 150-160 अबव आ रहे हैं तब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर 150 से नीचे आ रहे हैं ना, तो आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपको PYQ रिविजन और मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने PYQ बुक को नहीं लगाया है, या उन्होंने शुरू की थी बट खत्म नहीं कर पाया आज तक, या फिर उनका शुरू हुई थी बट पता नहीं आज कहाँ स्टैंड करती है, 2 दिन किए थे, 5 दिन नहीं किए, 2 वापस 2 दिन किए, फिर 1 महीना भूल गए करना, और फिर उनका सिलेबस ही होता रहा आज तक, उनके लिए लास्ट रिमाइंडर है मेरी तरफ से। उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अब भी जितना टाइम है ना उसमें आप प्रीवियस ईयर की बुक लगे, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अब आपको क्या करना है, 5 टॉपिक लीजिए एडवांस मैथ्स के, 5 लीजिए अर्थमेटिक के, 1 दिन अल्टरनेट डेज पे इनको लेके चलना है। पहले दिन आपने एडवांस मैथ के 5 टॉपिक लिए और उनके 20-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपने पहले दिन लगाए। दूसरे दिन आपने अर्थमेटिक के 5 टॉपिक लिए, उनके 20-20 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन। इसी तरीके से फिर वापस अल्टरनेट डेज पे आइए एडवांस मैथ, फिर अर्थमेटिक के 5 टॉपिक, फिर एडवांस मैथ के 5 टॉपिक, फिर अर्थमेटिक के 5 टॉपिक। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, आई एम सेइंग कि यार आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी ढाल सकते हो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस को डालोगे, 5-5 टॉपिक डेली कर रहे हो, 1 दिन अर्थमेटिक, 1 दिन एडवांस, 1 दिन अर्थमेटिक, 1 दिन एडवांस, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार प्रीवियस ईयर की बुक से क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट भी बनेगा, अलग अलग टॉपिकों में क्वेश्चन करोगे, मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं 10 टॉपिक अल्टरनेट डेज पे साथ लेके चल रहा हूँ, मतलब इन टॉपिक्स के क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है अपने आप को बूस्ट करने का, और कॉन्फिडेंस देता है, वो मॉक टेस्ट में झलकता है स्कोर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि अल्टरनेट डेज पे आप जो भी आपके पास दिन बचे हैं, लाइक आपके पास 80 से 100 दिन आप मान सकते हो, आपको इसी शेड्यूल पे चलना है, तो आप अगर अल्टरनेट डेज पे ये चीज करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके होंगे आपकी बुक में, इतना आप कर चुके होंगे प्रीवियस ईयर की बुक में कि आप जो मैथ्स का प्री का स्कोर है वो आपका 45 तक पहुंच जाए आराम से, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं अभी, अगर आपने बुक सही से नहीं लगाई है तो प्रीवियस की बुक जरूर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी बुक आपके पास, कोई भी बुक हो सकती है, वो बुक स्टार्ट कीजिए और इस तरीके से करिए अल्टरनेट डे पे अर्थमेटिक एडवांस, ठीक है। अब ये तो आपके पास बात रही कि भाई मुझे PYQ लगाने थे तो चलो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखो, ये सोचना बहुत अच्छी बात है कि मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा कर लूंगा, बट इसको इम्प्लीमेंट करना वो बड़ी बात होगी। तो क्या आप कर पाएंगे ये देखना है, ठीक है। तो वो अपने आप को चैलेंज कीजिए कि यार मैं करूंगा, और इस बार मैं, चाहे मुझे कितने भी झुंझलाहट हो, अनकंफर्टेबल महसूस हो,
क्योंकि जब आप 5 टॉपिक लेके बैठते हैं ना कि यार मैं एडवांस मैथ के 5 टॉपिक करूंगा, तो झुंझलाहट होती है यार, अब अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन फंस गया, अच्छा अब ये इस टॉपिक में फंस गया, 100 क्वेश्चन करने हैं, ये वो झुंझलाहट होगी, अनकंफर्टेबलनेस होगी। बट जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जब भी आप वो करने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेट सी बात है अनकंफर्टेबलनेस से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए, बट अगर 5-7 दिन निकाल दिए ना इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते, 100-100 क्वेश्चन करते करते, तो अपने आप उस अनकंफर्टेबल जोन से कंफर्टेबल में बन जाएगा वो आपके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस इस तरीके से जरूर करना, स्टार्ट कर दीजिएगा। अब दूसरी बात, अब आपके पास क्या होना चाहिए, 4-5 पेज बनाओ अपने, उसमें मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला थ्योरम्स आपको लगता है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस है, उसमें भी कोई फॉर्मूला आपको लगा है, आपको लगा टाइम एंड वर्क में भी ये 2-3 फॉर्मूला है, आपको लगा अलजेब्रा के फॉर्मूला लिख दिया, ट्रिगोनोमेट्री लिख दिया, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लिख दी, तो वो सारी 4-5 पेज बनाओ, केवल 4-5 पेज, और उनमें सारी जितने भी मैथ्स है उसका सारा निचोड़, मतलब सारे थ्योरम्स, सारे फॉर्मूलाज, जो भी आपको लगते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मॉक टेस्ट में आए हैं, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट तो दिए होंगे ना, 5, 7, 10, 15, 20, 50 कितने तो दिए होंगे, तो उसके बेस पे वो सारी चीजें आपके उन 4-5 पेज में होनी चाहिए। और उन 4-5 पेज को आप सुबह एक बार जब भी उठो तो सबसे पहले उन 4-5 पेज को रिवाइज कर लो डेली डेली। ये चीज करोगे, ये गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार इतने सिंपल फॉर्मूलाज आते हैं जो कि हम एग्जाम में जाके सोचने लग जाते हैं यार इसका फॉर्मूला याद होता तो मैं कर देता, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो वो चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आप फॉर्मूला पे काफी अच्छे कमांड कर लो, थ्योरम्स पे काफी अच्छी कमांड कर लो, तो ये 4-5 पेज आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। ये आप बना सकते हैं आज ही, आप आज ही जैसे ही वीडियो सुना है आज ही कोशिश कीजिए, आज ही आप सारे ये मैथ्स का पूरा निचोड़ 4-5 पेजों में लिख लो, ठीक है। तीसरी चीज, आपको मैथ्स के लिए एक अब रिविजन भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो रिविजन आप परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए, अर्थमेटिक से स्टार्ट कीजिए, और डेली वाइज है ना, डेली वाइज कोशिश कीजिए कि आप कुछ कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर सको। ऐसा नहीं करना कि परसेंटेज मुझे आज ही पूरे दिन में आज ही रिवाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस आज ही रिवाइज करना है, वो अनवांटेड जो प्रेशर है वो क्रिएट करता है माइंड पे, और फिर ये झुंझलाहट होती है कि यार छोड़ो यार रिवीजन नहीं होता मेरे से, तो ऐसा करना ही नहीं है ना, हमको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। मतलब आज मैंने परसेंटेज के 2-3 कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, फिर मेरा जो PYQ वाला टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के आगे रिवीजन किया, फिर आगे आगे से आगे टॉपिक मैं कंप्लीट करता गया, जैसे जैसे मेरे पीछे के टॉपिक कंप्लीट होते गए, ठीक है। तो एक दिन में सब कुछ नहीं करना है रिवाइज, आपको थोड़ा थोड़ा लेके चलना है साथ में और उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो रिवीजन भी साथ में रखो, 4-3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करके, फिर जैसे ज्योमेट्री जैसा टॉपिक है वो 5-7 दिन में कंप्लीट करके, मेंस्ट्रुएशन को 5 दिन का टारगेट ले लिया, इस तरीके से डेली वाइज आप क्या करो, अपने टॉपिक्स कंप्लीट करना स्टार्ट करो रिवीजन में, ठीक है। तो रिवीजन भी साथ रखो, PYQ उधर मिक्स करना ही आपको अल्टरनेट डेज पे। और फिर आती है बात सेक्शनल मॉक्स की, तो देखो कि कुछ ही किसी दिन, जैसे दिन आपको लग रहा है कि आज संडे है, या आज मेरा PYQ करने का मन नहीं है, या आज मेरा रिवीजन करने का मन नहीं है, उस दिन आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ। जिस दिन भी आपका पढ़ने का मन नहीं हो ना, सेक्शनल मॉक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं है, सेक्शनल मॉक लगाओगे पता चलेगा यार कमा रहा है मतलब पढ़ना है, वापस मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मैं जरूर कहूंगा, जब भी पढ़ने का मन नहीं हो सेक्शनल मॉक्स लगाओ, फुल मॉक्स लगाओ, वो काफी हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरे लिए, मेरी तरफ से था आपके लिए मैथ्स के लिए, जो आप ये कर सकते हैं चीजें, ठीक है। इसी तरीके से आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश में स्कोर जो है वो जितना वो सोचते हैं, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, उससे कम आ रहा है। तो इंग्लिश के लिए भी थोड़ा सा देखो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दोगे ना, आपको पता चलेगा नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वाली बुक अभी भी आपकी एकदम क्लियर नहीं है, और श्योर कह रहा हूँ नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार दोबारा नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को 0 से स्टार्ट करो, नाउन से स्टार्ट करो, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और उसके पीछे जो 50-50 क्वेश्चन दिए हैं, 60-60 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप जरूर सही से कर लो ना, उनमें सारे कंसेप्ट छुपे हैं उस टॉपिक के, तो वो क्वेश्चन सही से लगाओ, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ ली है फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, एक बुक बताऊंगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बुक आप ला सकते हैं। देखो इसमें कोई निसंदेह बात है, मैंने खुद ने यूज किया। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर क्या होगा कि आपकी जितनी भी आपने पढ़ी है ना नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में, जो भी रूल्स पढ़े हैं ग्रामर के, ये वो सारे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं एरर में, ठीक है। तो पूरे उसमें क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के एरर्स हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ग्रामर काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, अगर आपके ग्रामर में मार्क्स कट रहे हैं। अब वो आपको पता होना चाहिए मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, काफी यूजफुल वीडियो होगा, उसमें पता चलेगा किस तरीके से वीक टॉपिक को एनालाइज करना है। सो आपको एनालाइज कर लिया आपने, ग्रामर में दिक्कत है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ने के बाद भी, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर आपको हेल्प कर सकती है। उसी तरीके से अगर वोकैब में दिक्कत है, तो ब्लैक बुक बुक या जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है ना वोकैब वाली, उसके सारे वोकैब रट डालो भाई। डेली 100-100 का टारगेट लो, 150-150 का टारगेट लो। अगर आपके पहले से पढ़ी है तो हाईलाइट जो किए मैं केवल उनको बार बार पढ़ो, तो वोकैब में भी थोड़ा प्रो बनो, है ना। और अगर लगता है कि मेरी ब्लैक बुक काफी अच्छे से हो चुकी है, तो आपकी जो प्रीवियस ईयर की बुक है ना, पिनेकल या किरण जो भी बुक है, उसमें उस वोकैब के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, वो भी सारे लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जब ऐसा करोगे थोड़ा, और जो नहीं आ रही उनको हाईलाइट करोगे, उनको बार बार रिवाइज करोगे, तो यहाँ भी इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ स्कोर इंप्रूव नहीं होगा।
और रही बात क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट के लिए आप फिक्स प्रीपोजिशन देखो, फ्रेजल वर्ब्स को याद करो, डेली पांच पांच फ्रेजल वर्ब ले लो, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन याद करो डेली, जब चीजों को डेली आप देखोगे ना केवल रटोगे नहीं तो भी आपको चीजें याद हो जाएगी। तो फ्रेजल वर्ब्स हो गए, फिक्स प्रीपोजिशन हुए, इन पे काम करो, कुछ फ्रेजेज हैं, बाकी आप वोके पढ़ोगे तो वो भी यहाँ पे काम आया क्लोज टेस्ट में, तो यहाँ से आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा। पीक्यूआरएस में डेली पांच पांच पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करो, मैंने जो डेली टारगेट बनाता हूँ आप उसमें देखोगे ना, मैं सब चीजों को क्या कर रहा हूँ साथ में लेके चल रहा हूँ, और वही एक चीज होती है कि इतने अच्छे रेस्पॉन्स आता है उस टारगेट सीरीज का। सारे लोग कहते हैं हमारा स्कोर इतना था, इतना इंप्रूव हो गया, वो क्यों होता है? इसीलिए होता है कि मैं सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे लेके चलता हूँ, कि क्लोज टेस्ट भी चल रहा हो, हमारा वोकैब भी चल रही हो, ग्रामर भी अच्छी हो रही हो, बार बार रिविजन भी हो रहा हो, किसी भी चीज को मैं कभी पीछे नहीं छोड़ता, ठीक है। तो वो चीज आप वहां से भी देखेंगे, उसी तरीके से अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए। अब रीजनिंग में तो वही पांच टॉपिक जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है, वही कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये पांच छह टॉपिक है जो आपको डेली अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं। जीके में आपको पता हो कि यार देखो आपने अगर लूसेंट पढ़ ली है, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता चल गया है भाई जीके में ये बेसिक है, तो अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो प्रीवियस ईयर वाली बुक लगाओ, उसमें डेली 100 100 क्वेश्चन, 200 200 क्वेश्चन, जितने भी आप कर सकते हो, आई विल नॉट से कि भाई 100 ही करो, बट जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो डेली प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। जीके में स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, एसएससी ऑलराउंडर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आपको सारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से स्टैटिक जीके अच्छा कर लो। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैंने वहां डाल रखी है अलग अलग टीचर्स की, वो भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ो टॉपिक वाइज वहां मिल रहा है, ठीक है, स्टैटिक जीके पीडीएफ पड़ी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो जीके भी आप प्रो थोड़ा बनना पड़ेगा, थोड़ा अच्छी हैबिट रखनी पड़ेगी यार, टेम्पल से अच्छा टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन आता है, मैं अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लेता हूँ, अच्छा डांस इनफॉर्म्स आता है, अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला आता है, तो इन टॉपिक को जो बार बार आते हैं, सेंसेस आती है, ठीक है, तो इन टॉपिक को जो बार बार आते हैं अपनी कॉपी में लिख लो, थोड़ा बार बार रिवाइज कर लो, है ना। कोई भी चीज वीक तब तक होती है जब तक हमने उसको अच्छे से किया नहीं है, तो अब भी 100 दिन है, इनफ दिन है ना, 100 दिन इनफ है कि हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकें, ठीक है। तो अभी भी काफी चीजें जो आपने नहीं कर रखी अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी टाइम है हमारे पास, ठीक है। लास्ट का एक महीना हमारे पास केवल मॉक्स के लिए रहेगा, उससे पहले हमारे पास टाइम है कि हमारा कोई टॉपिक वीक रहा है, कोई टॉपिक छूटा है, तो उसको अभी भी कंप्लीट कर लें, तो सही तरीके से उसको पढ़ना है हमें, सही तरीके से करना है। अब बात रही मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको पहली बात तो आपके पास टेस्ट बुक पास प्रो होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको कई सारे एग्जाम के कई सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, तो जितने भी आप एग्जाम दोगे सब में काम आना है, तो यार पास प्रो परचेज कर लो ना, कई सारे ऑफर्स भी आते हैं, अभी भी एक ऑफर चल रहा है, तो आप ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस ऑफर से खरीद सकते हो, आपको 439 में पड़ेगा, और आप SA10 कोड यूज करोगे तो आपको 12% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो कोड ध्यान रखना, SA10 आप यूज कर सकते हो। इवन अगर आपको मॉक्स देने हैं, आपके न्यू मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर के सारे मॉक्स दो, और प्रीवियस ईयर में आपको दिख रहा होगा 203 मॉक टेस्ट जो है वो आपको Tier 1 के मॉक टेस्ट पड़े हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के, मॉक्स की कोई कमी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म ही काफी है, अगर आपको चाहिए तो ये एक प्लेटफॉर्म ही काफी है, और आप इसमें से 203 या Tier 1 के जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स है ना ये दे लो एक बार पहले, है ना, अगर आपसे न्यू मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, बीच बीच में एक एक दो न्यू मॉक भी देते रहो, बट अगर कम मार्क आ रहे हैं 120 130 मार्क्स आ रहे हैं ना, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक्स ही देने। मेरा खुद इनिशियल डेज में जब मेरा प्री था ना, उससे पहले मैंने न्यू मॉक दिए ही नहीं थे, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे मॉक्स दिए थे, तो आई थिंक कि आपको काफी चीजें सही लगी होगी, पता चली होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी रही है CGL की, और क्या ट्रेंड रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आया इजी आया, इसके बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आपको देखना है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियोज आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी चीजें सीखने को मिली होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय फ्रेंड्स।